कोई जरूरत नहीं है जूबी आंटी से पूछने की। मैं अज़द के इनकार की वजह जानता हूँ। क्या मतलब है, क्या जानते हो तुम? मामा, जिस घर पर दावत पर बुलाकर किसी की इंसल्ट की जाए, वहां कोई अपना रिश्ता क्यों जोड़ना चाहेगा? क्या मतलब, किसने इंसल्ट किया अज़द की? लेकिन अज़द तो तुम्हारे साथ बाहर गया था ना, और जैसे ही वो अंदर आया उसने जूबी को बोला कि हम चलते हैं। आप दुआ को बुलाएं प्लीज। मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? माँ, आप दुआ को बुलाएं तो सही। दुआ? तुमने अज़द से बदतमीजी क्यों की? नहीं नहीं, मैंने मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है तुम्हें। दुआ, जावी क्या कह रहा है, तुमने अज़द से बदतमीजी की है? नहीं आंटी, मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की, वो मुझे कह रहे थे कि। दुआ, होश में आओ, अज़द इस घर का होने वाला दामाद है। आंटी, मैं भी उन्हें यही समझा रही थी कि अंदर उनके रिश्ते की बात चल रही है और बाहर आप मुझसे। तुम अपनी औकात क्यों भूल जाती हो? जावी, कंट्रोल योरसेल्फ। महरोज, जावी ने कुछ गलत नहीं कहा, दुआ अपनी औकात भूल जाती है। सॉरी आंटी। दुआ बेटा, आप अंदर जाओ। जी। ठहरो, कहाँ जा रही हो तुम? मामा, इसको अभी इसी वक्त लेकर जाएं जूबी आंटी का, यह अज़द से माफी मांगेगी। हाँ बिल्कुल, सॉरी तो इसको करना होगा। मैं माहम और अज़द के रिश्ते को इसकी हमाकत की नजर कभी नहीं होने दूंगी। मेरे माफी मांगने से अगर ये रिश्ता बचता है तो मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। आप मुझे बता दीजिएगा कब जाना है, मैं बर्तन समेट लूं।